अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार तिब खान और आप देखें जी एन ए प्लस। नाज़रीन, आज इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में आम मुकदमात की समाअत हुई है। ख़ासतौर पर पी टी आई के तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी एन ओ सी कैंसिल करने के हवाले से। चीफ जस्टिस अमर फरूक साहब की अदालत में ये समाअत हुई है, जिसमें पी टी आई की जानब से एडवोकेट शोएब शाहीन साहब जो हैं वो पेश हुए हैं। रोस्टम पर जब शोएब शाहीन साहब आए तो उन्होंने कहा कि हमने तो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए जो है जलसे करने गए, लेकिन उन्होंने एन ओ सी जो है एंड मौके पर हमारी कैंसिल कर दी और हमें जलसा करने नहीं दिया गया। और जो है जैसे ही एन ओ सी की हमारी कैंसिल हुई तो उसके बाद जो है वो हमारे हमने भी जलसा मनसूख कर दिया। और साथ साथ आज चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम हुए, उन्होंने एडवोकेट जनरल से कहा कि अब तो ख़त्म नबूवत वाला मामला भी जो है वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। वो प्रोटेस्ट करने आए मजहबी जमातें वो भी चली गई हैं, इसके अलावा जो चैलम था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बावजूद जो है वो इस्लामाबाद जो लॉकडाउन हुआ है, जहाँ जहाँ जगह जगह जो कंटेनर्स रखे हुए, उस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मरगला रोड खुली हुई है, उसमें भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक जाम रहती है, तो ये क्यों बंद किया हुआ आपने पूरा इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात को इस तरह दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए कि बाकी सियासी जमातें या मजहबी जमातें डी चौक तक आकर उनको एक्सेस दिया जाता है और इंतजामिया हरकत में नहीं आती और उनको कुछ कहती नहीं है। तो इस तरह किसी मखसूस पार्टी के जिससे कोई आपका व्यूज से कोई इख्तलाफ है तो आप उस पर इस तरह उसको जो उनका बुनियादी हक है उससे आप महरूम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एक फंडामेंटल राइट है उनका, उनको जलसा करने दें। उनके 10,000 बंदे आते हैं, 10 लाख आते हैं, 4 लाख आते हैं, 50,000 आते हैं, जितने भी आते हैं, आप एंड मौके पर जो है वो क्यों एन ओ सी वगैरह कैंसिल कर देते हैं। दूर दराज से लोग आए होते हैं और उनको जब पता चलता है आधे रास्तों में पहुंच जाते हैं और जब पता चलता है कि एन ओ सी कैंसिल हो गई तो वो बेचारे वापस चले जाते हैं। उनको अचानक जो पता लगता है तो उससे काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये जो दरख्वास्त है इसको निपटाते नहीं हैं, बल्कि इसको 10 सितंबर तक जो है वो मुलतवी करते हैं। और आज शोएब शाहीन साहब की जानब से ये भी कहा गया कि मैंने उनको कहा है कि इनको हल्की फुल्की जो है वो सज़ा ज़रूर दें, क्योंकि ये बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो इन्हें अदालत करें, लिहाजा इंतजामियों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक जो है वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस दरख्वास्त को निपटाते नहीं हैं, बल्कि हम इसको 10 सितंबर तक जो है वो इसको मुलतवी करते हैं। और उन्होंने कहा कि पीटीआई को जो है 8 सितंबर को जो है वो जलसे की जो इजाज़त है इंतजामी की जानब से कहा गया था कि हमने जब लास्ट टाइम पर प्रोसीडिंग उस टाइम भी हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इंशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि हमने तो इनको 8 सितंबर का एन ओ सी भी जो अभी इन्होंने जलसा मौखर किया था 22 अगस्त वाला, हमने इनको एन ओ सी भी उसी दिन जो है वो जारी कर दिया था 8 सितंबर का। अभी यहाँ 8 सितंबर का एन ओ सी जारी हो चुका है पी टी आई को। अब देखना यह है कि पी टी आई को जलसा करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन शोएब शाहीन साहब ने जी एन ए प्लस से खुसूसी जो गुफ्तगू की है वो भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। इंशाल्लाह 8 सितंबर को जलसा होगा और कोई रुकावटें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दे दी है, 10 तारीख कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रख दी है और उनको कहा है कि आप जलसे की दरख्वास्त निपटाई नहीं गई। नहीं, वो रख दी गई है कि जलसे को पहले इजाज़त दें। मैंने कहा है कि जब तक एसीटी एडमिनिस्ट्रेशन को आप सज़ा नहीं देंगे तो आपके अदालती हुक्म को ये नहीं मानेंगे। शोएब साहब, ये बताएं कि वर्कर अभी तक आप लोगों में तनकीद कर रहे हैं, वर्करों की तनकीद को क्या समझते हैं? आपने तो कह दिया था कि फेक न्यूज़ है जो 22 अगस्त को जलसा। देखें, वर्कर की तनकीद बजा है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वर्कर चाहता है कि बाहर निकलें, वर्कर चाहता है कि ये जलसे जुलूस होने चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। मैं भी उसी वर्कर में शामिल हूँ, मेरी भी यही राय थी। लेकिन अब इंशाल्लाह, चूँकि इमरान खान साहब का फैसला था, अब इंशाल्लाह 8 सितंबर को होगा। मैं पूरे वर्कर्स को, पूरे पार्टी लीडर्स को, पूरे कौम को और आवाम को कहता हूँ कि उस दिन बाहर निकलें, आएँ जलसे की तरफ, आएँ रुख करें, आएँ जहाँ रोकें आपको वहाँ रुक जाएँ, वहीं जलसा कर लें। जिस जिस जगह पे को रोकें हर रोड पे फिर जलसा करें अगर रोकने की कोशिश करें, वरना आए सबसे बड़ा जलसा होगा। सर, यूटिलिटी स्टोर के मुलाज़मीन और हड़ताल भी आज किस वाले से? मैं उनको पूरी तरह यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाज़मीन को सपोर्ट करता हूँ। ये कठपुतली हुकूमत, ये एक आम गरीब आदमी को जो एक सस्ती कोई सब्सिडाइज्ड कोई चीज़ मिल जाती थी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, वो उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। 11,000 मुलाज़मीन का ये मसला है, 11,000 ख़ानदान है, यानी जो 1.5 लाख से ज़ायद घराने उसके साथ मुंसलिक हैं, तो इस हवाले से उनको बेरोज़गार करना ये इंतहाई नामुनासिब फैसला है। मैक्सिमम ये है कि तुम सब्सिडी ना दो, लेकिन ये कहना कि वो इनसे गवर्नमेंट से तनख्वाहें नहीं लेते, वो अपने सेल्फ फाइनेंस्ड बेसिस पे वो अपने मामला चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको। सर, एक तरफ आप लोग चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट पर अदम एतमाद भी करते हैं, दूसरी तरफ इन पर आकर दरख्वास्तें भी देते हैं, पिटीशन भी देते हैं, क्या लगता है? मुझे बताएं कि कोई दूसरा चीफ जस्टिस है? चीफ जस्टिस एक ही है ना इस्लामाबाद के, तो उन्हीं के पास ही दरख्वास्त लेकर आनी है ना। तो बाकी अदम एतमाद करना या उनको रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन देना, यह कानूनी हक होता है हर पार्टी का और वो दे सकते हैं। सर, मुसद्दक़ इत्तला'आत तो ये है कि 8 को भी जो है ना आप लोग बयानबाजी तो करेंगे लेकिन जलसा आप नहीं कर पाएंगे। मुसद्दक़ इत्तला'आत आपको बता रहा हूँ,
اندر کی خبر بھی بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ بھی اس میں ہوں گے، آپ میرا انٹرویو الگ سے کیجیے گا. خدا سر لاسٹ میں یہ بتائیں شیف صاحب کہ اگر جلسہ نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ جلسہ ہوگا، آپ اور میں اکٹھے ہوں گے، آپ میرا انٹرویو کیجیے گا اس دن اور میری تقریر ریکارڈ کیجیے گا. جس جگہ پہ ہوں گے آپ اور میں اکٹھے ہوں گے، تیاری کریں آپ اس دن کی.